गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आन ट्यूशन। आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो एज यू ऑल नो कि आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना फैला हुआ है। COVID-19 की वजह से हर जगह बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, बहुत चीज़ें इफेक्ट हुई हैं COVID-19 की वजह से। हर जगह पे इफेक्ट हुई हैं, वर्ल्ड ले लो, इंडिया ले लो, हर जगह पे, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट जो हमारा पड़ा है वो है स्कूलिंग में, वो है पढ़ाई को लेकर। बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुई है हमारी पढ़ाई कोविड की वजह से, है ना। तो इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट हुआ है, इस चीज़ के लिए CBSE ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने एक नोटिस जारी किया है, ठीक है। उस नोटिस में उन्होंने क्या करा है, 30% ऑफ द सिलेबस रिड्यूस्ड कर दिया है ना, ठीक है। लेकिन किसका, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का, इस 4 क्लास के लिए उन्होंने 30% रिड्यूस कर दिया गया। ऑलमोस्ट आपका 1/3 ऑफ पोर्शन आपका कम ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ जो भी उन्होंने नोटिस दिया था उसमें क्या लिखा था, ठीक है। तो उसमें बेसिकली उन्होंने यही कहा है कि पैंडेमिक जो ये चल रहा है इसकी वजह से उनको सिलेबस कम करना पड़ा, ताकि स्टूडेंट्स पे प्रेशर ना पड़े ज़्यादा। और प्रेशर भी क्या, क्योंकि आपकी क्लासेस तो हो नहीं रही हैं, ठीक है। आपके स्कूल बंद हैं और स्कूल बंद की वजह से आपको सामने टीचर नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम इतना क्लियरली ऑनलाइन क्लासेस में नहीं समझा सकते। ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा था इसलिए उन्होंने रिड्यूस किया है, ये इसलिए रिड्यूस किया है ताकि वो, क्योंकि ये चीज़ें जो टॉपिक्स उन्होंने रिड्यूस किए हैं, ये फिर भी थोड़ा अगर सामने से कोई पढ़ाए तो ज़्यादा बेटर होता है और ईजिली समझ पाते हैं बच्चे, ठीक है। ऑनलाइन में इतना अच्छे से उतना क्लियरली नहीं समझाया जा सकता, दैट्स वाई उन्होंने ये रिड्यूस कर दिया है। बट उन्होंने ये बोला है, नोटिस में भी बोला है कि बच्चे इसको छोड़े ना, ये एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे ये टॉपिक, बट आप अगर इसको पढ़ें, आप इसको पढ़ते हुए चलें, ठीक है। टीचर से भी उन्होंने यही रिक्वेस्ट की है, स्कूल के टीचर से, कि जब वो कोई पढ़ाते हैं, जब वो पढ़ा रहे हैं, तो जो चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं उससे लिंक करते हुए अगर कोई चैप्टर आगे आ रहा है तो उसको वो ज़रूर पढ़ाएँ, ठीक है। बस चीज़ें ये है कि आपके ये एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे, ये एग्ज़ाम से आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज जो आपको बताऊँगी वो बताऊँगी साइंस, क्लास 9th के साइंस का सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ओके। तो सबसे पहले तो हमारा जो साइंस में है, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर आपको याद रखना है कि ये सिर्फ 2021 सेशन के लिए ही रिड्यूस हुआ है। ये नहीं है कि अगले साल जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी है, नहीं, जो इस साल हैं बच्चे सिर्फ उसी के लिए, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि जो रिड्यूस हुआ है वो शायद कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा बच्चों की पढ़ाई के लिए, ठीक है। क्योंकि इस साल वो रिड्यूस हुआ है, वो 10th में आने पर नहीं रिड्यूस हुआ है। 10th के जो कुछ चीज़ें यहाँ से लिंक्ड होती है 9th से 10th के लिए, वो वहाँ रिड्यूस नहीं है, ठीक है। तो मेरा मानना आपके लिए यही होगा, तो आप प्लीज़ पढ़ते हुए चलें, ऐसा ना करें कि आप छोड़ दें। बट हाँ, बस इतना रखें कि एग्ज़ाम्स में इस पर प्रेशर ना डालें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में तो ये आएंगे नहीं, ठीक है। तो देखो क्या है, साइंस में हमारा क्या चीज़ होती है, तीन होते हैं हमारे, ठीक है, तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, डेट इज़ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो इसमें जो जो चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले केमिस्ट्री का सिलेबस बता देती हूँ, ठीक है, जो न्यू सिलेबस है, क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आपके केमिस्ट्री में, आपके जो क्लास 9th में, उसमें केमिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो जो चैप्टर 1 है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, वो कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। जो इसके पार्ट्स जो मैं बताऊंगी आपको, जो उन्होंने लिख के दिया था, मैं आपको वो क्लियरली अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, कौन कौन से इसमें टॉपिक्स जो उन्होंने डिलीट करने के लिए बोले थे। और इनफैक्ट जो डिलीट करने का बोला है, इसका मतलब ये पूरा ही चैप्टर डिलीट है, ठीक है। नेक्स्ट है, और क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर, बहुत बेसिक चैप्टर है, बट हम समझेंगे आगे क्यों ये डिलीट नहीं करना चाहिए था और क्यों। अब उनकी वो है कि ये छोटा सा चैप्टर है तो बच्चों को आता ही होगा, बट थोड़ा बहुत इसका कुछ साइड इफेक्ट्स, जैसे हम बोलते हैं ना, वो भी होता है हर चीज़ में, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें आपका कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ये जैसे था ये पूरा का पूरा चैप्टर आएगा आपका, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है, ये आना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स चीज़ें होती हैं जो आपको अभी पढ़ लेनी चाहिए, तो बहुत ही बेटर होगा, बिकॉज इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको आने वाली फ्यूचर में पड़ेगा, आने वाली क्लासेस में पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। भी आप बाद में ही समझेंगे, क्योंकि अभी तो आप बहुत खुश हो रहे होंगे कि हमारा सिलेबस खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत सिलेबस रिड्यूस हो गया, अब हमें अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। मुझे पता है डेफिनेटली इस टाइम पे स्टूडेंट समझेंगे ही नहीं कि ये एक तरीके से गलत क्यों है और एक तरीके से आपके लिए ये ख़राब क्यों है, ठीक है।
तो सबसे पहली बात, ये बहुत अच्छी बात है कि सेकंड चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं आए, क्योंकि सेकंड चैप्टर्स में आप देखो क्या पढ़ते हो, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स, हेटरोजीनियस, होमोजीनियस, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये होता क्या है. ठीक, नेक्स्ट है चैप्टर 3, इसमें भी आपका कोई चेंजेस नहीं है, ये भी आपका एज इट इज जैसा है वैसा ही आएगा, जिसमें कि आप क्या पढ़ते थे, एटम्स मॉलिक्यूल्स पढ़ते थे, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस के लॉज पढ़ते थे, मॉलिकुलर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, ठीक है, मॉलिकुलर मास पढ़ते थे, सब कुछ इसमें है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है. फिर नेक्स्ट आपका है चैप्टर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स में आप क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में आप इसमें पढ़ते हो. तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन 3 चैप्टर्स में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ भी अगर आपका छोटा सा भी रिड्यूस होता ना, तो वो आपको आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा आपके लिए, बिकॉज 9 से ही आपका एक बेसिक्स जो आगे की पढ़ाई के लिए होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है. तो यहाँ पे मैटर का भी थोड़ा सा आपको देख लेना है. अगर देखो आप, मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो और आप घर पे ही हो, ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना, आपके पास बहुत टाइम है, तो आप पढ़ते हुए चलो सारी चीज़ें, बस इतना करो कि आप उसको पढ़ते हुए चलो, ये ना हो कि आपको प्रेशर पड़े, प्रेशर मत डालो, लेकिन पढ़ते हुए चलो ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है. तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स है, इसमें से उन्होंने क्या लिखा था कि कौन कौन से टॉपिक डिलेटेड है. ओके, तो CBSE वालों ने जो लिखा था यूनिट 1 मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, जो उन्होंने लिखा है, मैंने एज इट इज आपको लिखा हुआ दिखाया है यहाँ पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है. तो मैटर इन सराउंडिंग्स में थे चैप्टर 1 में से इन्होंने क्या डिलीट किया, देखो डेफिनेशन ऑफ मैटर डिलीट किया, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस जो स्टेट्स हैं वो डिलीट कर दिए हैं, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी डिलीट कर दी हैं जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, एब्जॉर्प्शन, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन. तो ओवरऑल उन्होंने पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया, क्योंकि पूरे चैप्टर में सिर्फ यही है, ठीक है. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये खराब गलत क्यों है, ठीक है, ये गलत इसलिए है या इसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट इसलिए है. मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, या जिन्होंने नहीं पढ़ा होता, जिन्होंने नहीं ध्यान दिया होता कि मैटर क्या है क्या नहीं है, ठीक है, और पढ़ेंगे भी कहाँ से, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, पहले बताया जाता है, बट थोड़ा बहुत बताया जाता है. अब क्या हुआ, जो अच्छे बच्चे हैं या जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो कवर कर लेते हैं, अब जो नहीं है, जो थोड़ा सा पढ़ने में वीक है, वो सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तो सेकंड चैप्टर में उनको फिर से यही देखना होगा कि मैटर क्या है, क्योंकि मैटर के आगे से ही वो थोड़ा सा स्टार्ट है ना, तो उसके लिए उन्हें फिर से पीछे पढ़ना होगा. तो जब आपको बेसिक ही नहीं पता होगा, तो आप आगे कैसे करोगे, ठीक है. तो मेरे हिसाब से तो आपको पढ़ना चाहिए, और बहुत ही छोटा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बहुत ईजिली आप इसको समझ जाओगे, ठीक है. तो केमिस्ट्री में आपका ये पोर्शन डिलीट किया गया, बाकी 3 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए. मेरा मानना यही होगा कि आप ये ना सोचो कि रिड्यूस हुआ, आप पढ़ते हुए चलो, बस इतना सा फायदा है आपको कि एग्जाम के टाइम पे टेंशन नहीं है, ठीक है. तो अब मैं आगे आपको बता देती हूँ बायोलॉजी का, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ बायोलॉजी का, है ना, ठीक है. बट बच्चे बहुत खुश हो रहे होंगे कि यार चलो टेंशन छूटी, कुछ चैप्टर्स तो रिड्यूस हुए, कुछ चैप्टर तो नहीं पढ़ेंगे. बट प्लीज़ बेटा, बच्चों मैं बोलूँगी कि आप प्लीज़ पढ़ते हुए चलो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ही तो देना है ना, बट आप, मैं बता रही हूँ आपको कि आप आगे के लिए बहुत अच्छा हो जाओगे, ठीक है. क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि आप 10th क्लास में जाके, 11th क्लास में जाके फिर आप वहाँ पे फंसो, और फिर आप दोबारा 9th की बुक उठा के देखो, ठीक है. कोई भी पढ़ना नहीं चाहता दोबारा उस चीज़ को, है ना. तो बेटर होगा कि जिस समय जिस क्लास में है उस क्लास का पढ़ते चले, है ना. तो देखो यहाँ पे क्या है, चैप्टर 1 है आपका द फंडामेंटल्स यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है. चैप्टर 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बायोलॉजी के चैप्टर से स्टार्ट हुए हैं, वरना ये चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है. चैप्टर 5 है आपका फंडामेंटल्स यूनिट ऑफ लाइफ. तो इसमें क्या है आपका, इसमें आपने पढ़ना है सेल वगैरह के बारे में, कि कैसे ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी बनी कैसे है, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, एंडोप्लाज्मिक, ठीक, न्यूक्लियस, इस सब के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे. तो ये तो बहुत ज़रूरी चैप्टर था, और थैंकफुली अच्छा हुआ ये रिड्यूस नहीं हुआ, बिकॉज ये जो बच्चे बायो लेते हैं आगे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है. अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर 2, टिश्यूज़, ठीक है. टिश्यूज़ में भी, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं. इसमें आप क्या पढ़ते हो, स्ट्रक्चर पढ़ते हो, प्लांट टिश्यूज़ पढ़ते हो, मतलब इन सब के, एनिमल टिश्यूज़, इन सब के क्या पढ़ते हो, स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो, ठीक है. तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी था. अब क्या हुआ है, जो चैप्टर 3 है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें क्या हुआ है, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है, ठीक है. जो कि मुझे लगता है सबसे गलत चीज़ हुई है इस पूरे सिलेबस में, ठीक, क्योंकि
क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. ठीक, इसमें आप क्या सीखते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, ठीक है, किस कैटेगरी में आता है, क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि कौन कौन से इसमें से टॉपिक, मतलब क्या क्या इसके अंदर टॉपिक्स थे, ये कैसे रिड्यूस हुए हैं, क्यों ये इम्पॉर्टेंट था आपका, ये मैं आपको बताऊंगी आगे. ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, स्किप मत करना. फिर आपका नेक्स्ट आता है चैप्टर 4, व्हाई डू वी फॉल इल, क्यों आप इल मतलब बीमार क्यों पड़ते हो. ये भी बहुत अच्छी बात है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि क्या वायरसेस होते हैं, क्या किस चीज़ से आप बीमार पड़ते हो, कौन से डिसीजेज होती हैं. ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपके चैप्टर में से ये नहीं डिलीट हुआ है, क्योंकि इन्फेक्शंस वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए. ठीक, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो आप इसमें, प्रिवेंशन की, कैसे ट्रीट करें कैसे नहीं, तो दिस इज़ गुड. नेक्स्ट है आपका चैप्टर 5, नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसा है वैसे ही आएगा. इसमें आप सारे सॉइल्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, एयर वाटर के बारे में. ठीक है, तो ये आएगा लेकिन सिर्फ इंटरनल्स में आएगा, आपका एक्सटर्नल एग्जाम्स में नहीं आएगा, यानी मेन एग्जाम्स जो होते हैं वो उसमें नहीं आएगा. नेक्स्ट है आपका चैप्टर 6, जो क्या था, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. ये भी क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया. तो इसके क्या टॉपिक्स थे ये मैं आपको बताती हूँ अब आगे. ओके, तो जो आपका बायो से चैप्टर डिलीट हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो डिलीटेड दिखाए हैं, जो CBSE ने जो नोटिस में दिखाया है. और ये भी बता देती हूँ मैं आपको ये क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. इससे मैं तो एटलीस्ट खुश नहीं हूँ कि इन्होंने ये रिड्यूस किया, एज अ टीचर मैं खुश नहीं हूँ. एज अ स्टूडेंट आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बिकॉज ये चैप्टर ईजी नहीं था. ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी इस चैप्टर में, इतने हार्ड तो मतलब इतने हार्ड वर्ड्स होते थे कि हम बोल भी नहीं पाते थे, याद तो बहुत दूर की बात है, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी. तो आप तो आई नो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बट खुशी की बात नहीं है, बिकॉज आगे प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए प्लीज़ अभी से. हाँ ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक है. ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, इसमें क्या था आपको मेनली साइंटिफिक नेमिंग कैसे हुई, क्या कैसे किस कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ, किस कैटेगरी किस ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया. ठीक है, और बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये जो सारी चीज़ें थी, ये प्लांट्स में ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ाया गया था. ठीक है, मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में कि कौन से उसमें आते हैं, फाइला अप टू क्लासेस, क्लासेस में क्या, किस क्लासेस में वो डिवाइड होते हैं. तो बेसिकली आपको देखने से भी लग रहा होगा कि यार बहुत सारी चीज़ें तो शायद इसी में ही थी, है ना, देखने से ही आपको लग रहा है. तो देखना आप बुक उठा के, क्योंकि मेरे ख्याल से तो शायद आप अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ गए होंगे, क्योंकि मुझे पता है घर बैठे हुए आपने नहीं किया होगा सिलेबस. ठीक है, या इस चैप्टर को एक बार खोल के देखना कि आपको कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर लगेगा. एंड आप एट द सेम टाइम आपको बोरिंग भी लगेगा, बिकॉज बहुत ही हार्ड, तो इनफैक्ट मतलब इसकी वर्डिंग्स बहुत हार्ड हैं. ठीक है, बच्चों को प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं. तो मेरे हिसाब से दिस वुड बी द वन जो नहीं डिलीट होना चाहिए था, और हो जाते. ठीक है, आई थिंक नेचुरल रिसोर्सेज हो जाता शायद, इसके बारे में तो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो शायद वो अगर हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट ठीक है, अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं. फिर आपका 6th चैप्टर था आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन. तो इसमें से जो टॉपिक्स हैं मेरे ख्याल से ठीक है, ये डिलीट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो इसमें क्या था, फूड रिसोर्सेज के बारे में कि फूड रिसोर्सेज हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, प्लांट एनिमल की ब्रीडिंग के बारे में था, सिलेक्शन करने के बारे में था, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की, फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स का कैसे यूज़ किए जाते हैं, पेस्ट डिसीज से कैसे बचा जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में था. ठीक है, तो आई डोंट थिंक ये ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम है, ये कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अगर कोई आगे भी आता है तो ये एक नॉर्मली थ्योरेटिकल पार्ट है, आप तो रटने में आगे ही होंगे तो आप इजीली कर लेंगे. ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट फिजिक्स के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले तो यार इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आई डोंट थिंक कि इसमें से कोई चैप्टर डिलीट होना चाहिए था, क्योंकि फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं ना, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बेसिक्स ही ये है. तो अगर मेरे को तो पक्का श्योरिटी है कि अगर आप अभी छोड़ते हैं ना, आप आगे जाके वापस इस चैप्टर को देखोगे, वापस 9th क्लास की बुक दोगे, मैं लिख के दे रही हूँ आपको. ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरी बात माने तो प्लीज़ फिजिक्स तो एटलीस्ट पढ़ लेना. आई नो आप और कुछ नहीं पढ़ने वाले, बट फिजिक्स तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत आजकल इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, हर चीज़ अवेलेबल है आपको घर बैठे ही. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार आपके पास टीचर नहीं था तो आप नहीं समझ पाए. ठीक है, तो मैं आपको आगे बता देती हूँ, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, बट कोई नहीं, चलो. ठीक है, तो देखो इसमें जो चैप्टर 1 है मोशन, ठीक है, मोशन में आपका ना कोई चेंजेस नहीं आया. पहली बार फिजिक्स किस बारे में, रेस्ट के बारे में है एंड मोशन, दो चीज़ से डिपेंड है अभी इसमें. ठीक है, तो सबसे पहले जो मोशन है, इस वाले चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं आए. ठीक है, तो आप इस चैप्टर में पढ़ते क्या हैं बेसिकली आप पढ़ते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, एक्सेलरेशन पढ़ते हैं. ओके,
एलिमेंट्री आइडियाज पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलेशन, मतलब बहुत सारी बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बेसिक्स चीज़ें हैं जो आप इसमें पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें आप क्या पढ़ते हैं? फोर्स एंड मोशन, ठीक है, क्या लॉज ऑफ इक्वेशंस आप पढ़ते हैं, ठीक, क्या पढ़ते हैं आप? इक्वेशंस पढ़ते हैं, और जिस बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में बच्चा कहाँ अटकता है, सिर्फ अटकता है न्यूमेरिकल पार्ट, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट तो वो रट के कर लेता है, ठीक, कुछ बच्चे समझ के कर लेते हैं, बट जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। तो अच्छी बात है कि इसमें से नहीं हटाया गया, बिकॉज इसमें आपकी इक्वेशंस जो आएंगी उस बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, इनर्शिया, मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सब आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, ठीक। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर थर्ड, ग्रेविटेशन। तो इसमें से देखो क्या किया गया है, चैप्टर तो रिमूव नहीं किया गया, बट कुछ पोर्शन इसका डिलीट किया गया, रिड्यूस किया गया, ठीक है। तो वो पोर्शन क्या है आपका? थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है, थ्रस्ट एंड प्रेशर है, बाकी आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये सब तो इसमें आएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द ग्रेविटी वाले में आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आएगा, मास एंड वेट ये सब आएगा, फ्री फॉल ये भी आएगा, बट जो ये पोर्शन है ये इन्होंने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया गया है। और मैं बताती हूँ इस पोर्शन के अंदर क्या क्या थे, मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। फिर आता है आपका वर्क एंड एनर्जी, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, थैंकफुली कोई चेंजेस नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। आप इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हो? वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप ये सब पढ़ते हो इसमें, ठीक है। और सबसे ही जो बुरी बात जो मुझे लगी, सबसे बेहद गंदी बात और बहुत ही गलत बात जो थी, वो ये है कि आपका जो साउंड चैप्टर है वो पूरा डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये डिलीट कर दिया है तो बच्चे आगे कैसे करेंगे? बच्चों को पता क्या चलेगा कि साउंड एग्जैक्टली था क्या, ठीक है। तो अगर आपका ये डिलीट कर दिया तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये बहुत ही अच्छा हुआ, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं हुई है, ये थोड़ा उनको समझ के करना चाहिए था कि क्यों डिलीट किया गया है, बट डोंट नो क्यों किया है। तो देख लेंगे, मैं आपको थोड़ा सा वो दे दूंगी कि ओवरव्यू दे दूंगी कि इसमें क्या क्या आप पढ़ते, ठीक है, तो हम देखते हैं आगे, ओके। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया मोशन, फोर्स एंड वर्क में जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं, चैप्टर तो एक ही डिलीट किया गया, बट हाँ एक चैप्टर में से टॉपिक डिलीट किया। तो देखो थ्रस्ट एंड प्रेशर में आपका देखो कौन सा आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। इनके बारे में मैं आपको पूरा ही चैप्टर पढ़ाऊंगी, मैं तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ा के डालूंगी वीडियो, बाकी आपकी मर्जी, आप देखें ना देखें, ठीक है। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंसी डिलीट कर दिया गया, और रिलेटिव डेंसिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इनके ऊपर तो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थियोरेटिकल डेफिनेशंस भी आती हैं, बट डोंट नो क्या होगा, ठीक है। साउंड में देखिए, साउंड में नेचर ऑफ साउंड एंड प्रोपोगेशन इन वेरियस, पहली बात तो नेचर साउंड का कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है, अलग अलग मीडियम में वो कैसे ट्रेवल करती है, क्या साउंड की स्पीड क्या होती है, इंसान जो हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं उनकी रेंज क्या होती है सुनने की, ठीक है, कितनी रेंज तक वो सुन सकते हैं, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इको क्या होती है, ठीक है, इको क्या होती है, जो आप जैसे चिल्लाते हो ना तो वापस आती है ना आवाज़ गूंजती है, दैट इज़ इको। सोनार क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है ह्यूमन ईयर का, ठीक। तो ये सारा ही चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, तो डोंट नो कि क्यों डिलीट किया गया होगा, बट प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट होगी आप प्लीज़ फिजिक्स पे ध्यान दें, फिजिक्स आप पूरी पढ़ें, ठीक है। बस ये है कि आपको एग्ज़ाम में कोई टेंशन नहीं होगी, तो ये चीज़ भी दिमाग में रखो कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो मैं पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मैं आगे वाली आने वाली वीडियो में और भी सब्जेक्ट्स का बताऊँगी क्या रिड्यूज़ हुआ है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक, तो सब्सक्राइब करना, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या रिड्यूस हुआ, क्यों रिड्यूस हुआ, रिड्यूस हुआ तो आई थिंक सबको ही पता होगा, पर इसके बुरे इफेक्ट क्या हैं, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपकी पढ़ाई में, ये जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड येस, प्लीज़ उस लाल कलर की घंटी को ज़रूर बजा देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको सारी अपडेट्स मेरी मिल जाएँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।